अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर। आपको पता है कि लाहौर एक्सपो सेंटर के अंदर HVACR से रिलेटेड एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन मुनक्कद हो रही है। इसी सिलसिले में हम एक वेल नोन ब्रांड है शनाइडर इलेक्ट्रिकल के अंदर ये देखते हैं। आपको पता है कि अगर HVAC से रिलेटेड हैं तो HVAC में इलेक्ट्रिकल एक मेन कंपोनेंट है। इसके बगैर आप जितनी बड़ी मशीन, जितना मर्जी बड़ा AHU लगा लें, अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल कंट्रोल है मौजूद नहीं है या अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो ये आपकी प्रोडक्ट के लिए इतना सूटेबल नहीं है। तो इसी सिलसिले में हम बात करने आए हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव से। इनसे हम पूछेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल में ये मेन कंपोनेंट कौन कौन से जो पाकिस्तान के अंदर अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले आप अपना नाम और अपनी कंपनी के बारे में बता दीजिए कि कौन सी प्रोडक्ट्स ये पाकिस्तान में दे रहे हैं। हम आरिफ, माय नेम इज़ आरिफ इफ्तिखार फ्रॉम हमीद ऑटोमेशन, और हम तीन ब्रांड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, हायोकी जापान एंड वीडमुलर जर्मनी। अच्छा, इसमें आपने लिखा हुआ मेन जो मैंने देखा आपका जो आजकल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ऑटोमेशन, इससे रिलेटेड आपने स्टॉल के ऊपर बनाया हुआ है, तो आप बता सकते हैं कि ये तकरीबन टोटल सिंक्रोनाइज सिस्टम भी होता है इलेक्ट्रिकल में, और इसके अलावा कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आप लेके हैं? हम जो है एनर्जी मैनेजमेंट को कर रहे हैं, पावर क्वालिटी एनालाइजर्स जो है हमारे पास, और VFDs हैं जिसमें हम कंजर्व कर रहे हैं एनर्जी। उसके अलावा सोलर के लिए हमारे पास DC सर्ज अरेस्टर और DC ब्रेकर्स भी मौजूद होते हैं। उसके अलावा हमारे पास PV इंसुलेशन टेस्टर है हायोकी का, जिसमें सोलर के लिए इंसुलेशन भी मौजूद है। ओके सर, अगर आप बड़े लेवल पे पैनल्स के ऊपर भी काम करते हैं, श्नाइडर के पैनल भी? हाँ जी, श्नाइडर के पैनल्स हम सप्लाई नहीं करते, MCB पैनल्स भी, बिल्कुल हम पैनल डिज़ाइन भी कर लेते हैं और पैनल सप्लाई भी कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली वी आर कॉम्पोनेंट सप्लायर। लेकिन अगर कोई हमसे कंपनी पैनल मांगती है तो वी कैन सप्लाई दैट। बेसिकली आई एम आल्सो यूज श्नाइडर BMS सिस्टम रिलेटेड टू HVAC कंट्रोल। हाँ जी, ठीक है। इसके ऊपर हमने बड़ी वर्किंग की हुई है और इसके ऊपर हमने काम भी किया, हमने इंस्टॉलेशन भी करवाई है। इससे रिलेटेड आप HVAC में ऑटोमेशन के ऊपर क्या क्या चीज़ें आपके पास? HVAC में हमारे पास ज़्यादा तो स्पीड ड्राइव्स हैं जो हर जगह HVAC में, पंपिंग में, सारी जगह यूज़ होती हैं। उसके अलावा हमारे पास एनर्जी मैनेजमेंट का है, और उसके अलावा कुछ हायोकी की ऐसी इक्विपमेंट है जिसमें मेमोरी हाइकोडर्स हैं और पावर मीटर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं HVAC में। अच्छा सर, HVAC का ब्रोशर? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि सेफ्टी मेजर्स के लिहाज से आपके श्नाइडर में इलेक्ट्रिकल पैनल एक वेरी सेंसिटिव प्रोडक्ट है, इसके आप सेफ्टीज के बारे में बताएं कि इसमें सेफ्टीज में जो है अर्थ लीकेज ब्रेकर है हमारे पास, जिनसे ह्यूमन प्रोटेक्शन ISO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होती है। 30 mA तक जो है, जो ह्यूमन प्रोटेक्शन वाले सारी आइटम श्नाइडर सप्लाई करता है। तो ELCBs हैं और MCCBs हैं और SPDs हैं, ये सारी वो चीज़ें जो प्रोटेक्शन के लिए हैं। फिर इसमें हमारे पास अंडर ओवर वोल्टेज और इलेक्ट्रॉनिक ओवर वोल्टेज करंट को डाटा एनालाइजर, जिसको एनर्जी एनालाइजर बोलते हैं, इस तरह की तमाम इक्विपमेंट आपके पास, इसमें इनके आपके पास श्नाइडर के पास टोटल इक्विपमेंट श्नाइडर का, हायोकी का और वीडमुलर का टोटल इक्विपमेंट, तीनों ब्रांड आपके पास। इलेक्ट्रिकल में अगर कोई पैनल आपसे मंगवाता है, इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट मंगवाता है, तो कंप्लीट डिटेल में उसको मिल जाएगा? मिल जाएगा। और उसमें आपके पास स्टॉक भी अवेलेबल है? जी, हम मेजरली स्टॉक करते हैं और स्टॉक पे रिलाई करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हेलो।